हाथ नहीं है हमारे, तो इसने करके मेहनत कर रहे, कमाई करके इसने 1500 रुपये बचाते हैं। इसने हाथ वाले पर नहीं बच सकते। अगर कोई भी काम जनता को दिखाई नहीं दे रहा है, 2024 में मोदी को भगा दिया जाएगा। राहुल गांधी जी ने अपने उत्तर प्रदेश के सारे जनता को आलू से सोना बना दिया। नहीं सुनिए, वो पूरा पूरा भाषण सुनिए, वो नरेंद्र मोदी का भाषण है, वो गन्ने पूरा आप आधा जानते हैं, वो पूरा पूरा भाषण नरेंद्र मोदी का है जिसको राहुल गांधी ने रिपीट किया है। आपने उनको दूसरी तरीके से प्रेजेंट किया। चलिए सहमत करते हैं, ये बात तो है। देखिए आपकी बात कट गई जी, जनता कहाँ जाएगी, भूखे मर जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। तो मैं रेल पटरी, आप बता रहे हो कि रेल पटरी पे जो रह रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, उन्हीं के लिए, सब लोगों के लिए किया जा रहा है ये G20। खबरें ऐसी भी आ रही है कि आने वाले समय में 8, 9, 10 को पूरी तरह से दिल्ली को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद जब दिल्ली बंद हो जाएगी तो ये रेहड़ी पटरी वाले जो लोग हैं, ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, ये 3 दिनों तक इनके इनकम बंद हो जाएगी। ये लोग कैसे गुजर बसर करेंगे? 3 दिनों के लिए इंडिया गेट बंद होने वाला है, कैसे चलाएंगे घर को, क्या क्या कहेंगे इस पर? ये मैम, रोजी रोटी के लिए तो थोड़ा संकट होगा, बट क्या करेंगे आखिर, गवर्नमेंट का जो प्लानिंग है उसके लिए तो हमें तैयार रहना पड़ेगा। आखिर दूसरे देश से जो गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए फिर थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी, तो इसीलिए फिलहाल तो जो भी होगा। आपके लिए गवर्नमेंट ने कुछ 3 दिनों बंद रहेगा तो कुछ उसके लिए कर रही है? हमारे ये कोई प्लानिंग नहीं है, हमारा का रोजी रोटी पे संकट आएगा, जो फिर घर बैठेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें। सरकार तो सीधे बोल दिए जो कि 3 दिन के लिए लॉकडाउन, तो लॉकडाउन 3 दिन जो है पूरी दिल्ली बंद होने वाली है। आप रिक्शा चलाते हैं, बंद कैसे करेंगे, घर चलाएंगे, घर चले जाएंगे, घर रोटी खाएंगे, मस्तरेंगे और क्या करेंगे? 3 दिनों के लिए आपकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी? रोजी रोटी कोई बात ना, 10 दिन रह जाए तो कोई पैसा ना, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, ये सबको है, कोई हमारे ताई थोड़ी है भाई, सबके ताई है, हमारे ताई थोड़ी कोई, तो सबके ही तो रोजी रोटी बंद हो रहा है ना, इस पे कितना नुकसान हो जाएगा? नुकसान होगा तो होगा, जो वो काम कर रहे हैं वो अच्छे ही काम कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे। क्या अच्छा काम क्या किया है मोदी ने बताओ? मोदी ने सबसे बड़ा काम किया है, क्या कहते हैं, चंद्रमा पे वो पहुँचा दिया, मोदी ने पहुंचाया कि वैज्ञानिकों ने? वैज्ञानिक मोदी नहीं होते तो क्या कहते, वैज्ञानिकों को ऐसी भाषण दे देते? भाषण देने से थोड़ी होता है, वैज्ञानिक थे, रिसर्च किया, चंद्रयान विक्रम पहले ये थे, ये क्या कहते हैं, और भी तो मंत्री संतरी रहे थे, और भी तो प्रधानमंत्री रहे थे, उन्होंने कुछ किया देश के लिए, मुझे बताइए किया कुछ ने, उन्होंने कुछ किया है? किसी ने कुछ नहीं, कुछ नहीं किया। लेकिन हमारी तो दोनों बाएं भी नहीं है, तब भी देखो हम तो कहते दुआ बनाते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री इस धरती के पर्दा पे है, आज 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 आजकल के उसमें नहीं होगा, जिंदगी में नहीं मिलेगा ऐसा मोदी, और मोदी जीतेगा, कोई नहीं रोक सकता भाई का लाल। मोदी ने देश को बेच दिया है? बेच नहीं दिया, सब काम सही कर रहा है मोदी। हाँ। सब काम सही कर रहा है, तुम्हारे लिए मारे पर जाओगे, बेच रहा है, सब काम सही कह रहे हैं कि देश को बर्बाद कर दिया, सारा प्राइवेट कर दिया, जल महंगाई आ गई, जनता त्रस्त है। महंगाई महंगाई को तो चलता रहता है, महंगाई महंगाई वो तो चलती रहती है, उसको क्या है, ये बताओ, हम हाथ नहीं है हमारे, तो इसने करके मेहनत कर रहे, कमाई करके इसने 1500 रुपये बचाते हैं, इसने हाथ वाले पर नहीं बच सकते, है बताइए, हाथ वाले नहीं कर सकते। मोदी के अच्छे काम पूछ रहे हैं आप? अच्छे काम सारे अच्छे काम, सारे क्या अच्छे काम? मणिपुर में जो हुआ अच्छे काम थे, राजस्थान में जो हुआ उसका क्या होती रहती, बड़े बड़े देश मणिपुर की आप बात कर, राजस्थान में हुआ उसका क्या? राजस्थान में नग्न परेड कराया गया। कहाँ पे? राजस्थान में क्या नग्न परेड हुआ? तो मोदी जाके करा के आया था, मोदी ने कराया था? मोदी ने एक शब्द कहा कुछ? किसने? मोदी जी ने संसद में खूब बोला है, संसद में खूब बोला है। कितने मिनट बोला? लगभग 42 मिनट बोला है, और सारे रिकॉर्ड 36 सेकंड। किसने कह के बारे में? उस वाले टाइम पे तो सारे के सारे रिकॉर्ड टूट गए, उस वाले टाइम पे सारे के सारे कांग्रेसियों का जब जवाब दिया है, सारे रिकॉर्ड टूट गए, अब तक के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा नेहरू जी ने बोला था, उसके बाद इस वाले टाइम पे मोदी जी ने बोला है, सारे रिकॉर्ड टूट गए, आपको पता है मैडम? अच्छा जी बताइए कितने मिनट बोला है, सारे कांग्रेसियों के सारी की सारी बातों का जवाब दिया है मोदी ने, क्या आपको पता है? उनको कभी आपने दिखाया? कांग्रेस को ही तो दिखाती है ना। अगर कोई भी काम जनता को दिखाई नहीं दे रहा है, 2024 में मोदी को भगा दिया जाएगा।
ठीक है। अगर मोदी ने काम कराया है मोदी दोबारा आएंगे, खत्म कहानी, जनता तय करेगी, ठीक है। जनता जनार्दन, राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार हम गारंटी देते हैं मोदी को हरा देंगे, पप्पू जाएगा, कुछ नहीं होगा उसको, पप्पू इंटरनेशनल पप्पू है। मैं कपिल शर्मा का शो नहीं देखता हूँ, उसके केवल भाषण देखता हूँ राहुल गांधी के। हाँ, मुझे बहुत हंसी आती है। राहुल गांधी जी ने अपने उत्तर प्रदेश के सारे जनता को आलू से सोना बना दिया। नहीं सुनिए, वो पूरा पूरा भाषण सुनिए, वो नरेंद्र मोदी का भाषण है, वो गन्ने से सोना बना दिया, पूरा आप आधा जानते हैं, वो पूरा पूरा भाषण नरेंद्र मोदी का है जिसको राहुल गांधी ने रिपीट किया है, आपने उनको दूसरी तरीके से प्रेजेंट किया। चलिए सहमत करते हैं, ये बात तो है। देखिए आपकी बात कट गई जी, बताइए आप पूछिए भाई, बाकी या ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में या माननीय इनके मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसा अच्छा, कहीं एक शिक्षक जो है स्कूल में बैठ के ये कहती है कि ये मुसलमान है, इसको तेज थप्पड़ मारो, बच्चों से पिटवा रही है बच्चे को ही, क्या ये सही लगता है आपको? ये तो भाई ये तो व्यक्तिगत बातें हैं कि वो स्कूल उस पर देख सकता है ऐसी न्यूज, आपके पास ऐसी न्यूज है? हाँ, ट्रेंड पे चल रहा है सर, ट्रेंड पे चल रहा है, मैं दिखाऊं आपको? दिखाइए, वैसे हमारे पास तो ऐसे मैंने तो कोई ऐसी नहीं देखी। पब्लिक स्कूल डाली, हैशटैग चल रहा है सर, दिखाइए दिखाइए, अभी दिखाती हूं आपको। तो उसके लिए भी सरकार बनी हो, उसके लिए भी थाने बने हो, पुलिस बने हो, उसके लिए भी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वो विकलांग थी इसलिए उसने बच्चे से पिटवा दिया उसको। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं मैडम, ये तो हम ये भी पच्ची पार्टियों ने कुछ मुद्दा बनाया होगा। नहीं, जब एक शिक्षक बोल देता है कि पढ़े लिखे को वोट दो, पढ़े लिखे नेता चुन के लाना, तो उसको तुरंत निकाल दिया जाता है। कौन कौन किसको निकाल दिया? करण सांगवान की बात कर रही हूँ मैं जी। मैं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपको ऐसा आपको खबरें पता ही नहीं है? नहीं खबरें तो पता है हमें, लेकिन ये चीजें जो आप बता रही, ये चीजें नहीं पता है ना कि ये चीजें आप बता रही। खबरों के बारे में जानिए, बाकी हमने पब्लिक से जाना कि 2024 में कौन आएगा। 3 दिनों के लिए दिल्ली बंद हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? लोगों की रोजी रोटी पे असर होगा? कुछ नहीं सही हो रहा, जो हो रहा है ये एक चीज तो बताइए, जब हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी दूसरे देशों में जाते हैं तो ऐसे उनके यहाँ की भी सिक्योरिटी, उनके यहाँ की भी चीजें जो प्लेसेस होते होंगे वो हमारे सरकार के लिए, हमारे लिए की जाती हैं, ठीक है। अगर आप कभी बाहर जाओ तो जो हमारे वीजा या पासपोर्ट बनते हैं उसमें हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अगले देशों के ऊपर रहती है। ऐसे वो हमारे यहाँ विजिट करने आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, ये जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। हमारी सरकार ने इन रेड़ी पटरी ऑटो वाले जो रोजाना 10-5 रुपये कमा के खाते हैं, 3 दिन तक जब पूरी तरह से बंद हो जाएगी, सरकार ने सोचा इसके बारे में? तो मैम एक बात तो बताइए, उनकी भी सिक्योरिटी तो हमारे सरकार के हाथ में, सरकार की ही तो रिस्पांसिबिलिटी है ना, इनकी भी। हाँ। इनके खाने तो पीने रहने तो का जिम्मेदारी किसकी है? साल के 365 दिन सरकार इनकी जिम्मेदारी ले रही है, तो क्या ये जनता 3 दिन के लिए नहीं ले सकती सरकार के लिए? आप बताइए जनता कहाँ जाएगी, भूखे मर जाए? ऐसा कुछ भी नहीं, सब हमारे रेल पटरी, आप बता रहे हो कि रेल पटरी पे जो रह रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, उन्हीं के लिए, सब लोगों के लिए किया जा रहा है। ये G20 के बड़े बड़े देशों के अपने देश में प्रधानमंत्री आएंगे, वो बैठक लगेगी और बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे कि भारत में आगे बढ़ने के लिए क्या फैसले लिए, उसी के लिए बुलवाए जा रहे हैं, उसी के लिए होगा। तो हमने जनता से जाना, हम इंडिया गेट पर हैं अभी और तमाम मुद्दों पर बात की, चाहे 2024 के इलेक्शन हो, चाहे ये G20 के लिए 3 दिन के लिए दिल्ली का बंद होना हो। आपने जवाब सबका सुना, सबने खुलकर अपनी बातें रखी है, पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तोहित के साथ मैं ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।